तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे बातचीत की। सर, आज सोलर एक्सपो में यहाँ पर शामिल हुए, किस तरह के जो नवाचार जो हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं और किस तरह का जो सोलर प्रोजेक्ट को लेकर राजस्थान में जो विकसित होने वाला है? देखिए, राजस्थान मरु प्रदेश है हमारा, रेगिस्तानी प्रदेश जहाँ है वहाँ अपार संभावना इस सोलर की है। तो उसकी यहाँ पर रेडिएशन भी ज्यादा है, अपार संभावना है, हमारे पास जमीन है, तो उसका राजस्थान ही सबसे ज्यादा पहली पसंद किसी सोलर इन्वेस्टर की वो राजस्थान होता है और इसकी यहाँ काफी संभावना है। अब हमारा प्रयास है कि राजस्थान सोलर के जो इक्विपमेंट हैं, जो पैनल हैं, जो इसके जितने भी कंपोनेंट हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, उसकी बहुत बड़ी यहाँ संभावना है। आज ये जो यहाँ जितनी स्टॉलें लगी हुई है सब मैन्युफैक्चरर की स्टॉलें हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा इसको बढ़ावा देने की सरकार के स्तर पर कोई हम प्रयास करेंगे कि कैसे और यहाँ मैन्युफैक्चरर इसके आए और हम राजस्थान में जो सोलर लगे हैं वो राजस्थान से ही इन अपनी जरूरतों को पूरा करके यहाँ की इंडस्ट्री को फायदा मिले। मैन्युफैक्चरिंग और जो इंस्ट्रूमेंट है उनके असेंबलिंग के लिए किस तरह का जो बजट है वो रहने वाला है, क्योंकि रोजगार के लिए भी एक बेहतर विकल्प होगा युवाओं? उसमें बजट नहीं है, उसके लिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो भी लैंड की आवश्यकता है, जहाँ भी उनको एक हब बना करके मैन्युफैक्चरिंग हब बने उसके लिए संभावनाएं हम रिको से और रिको सेर उद्योग विभाग से बात करके और इसकी संभावना तलाशेंगे कि इनको कहीं ना कहीं ऐसा हब बनाने की प्रयास करेंगे जहाँ पे सारे मैन्युफैक्चरर एक ही जगह एक ही क्षेत्र में आएंगे, तो एक आपस में वहाँ एक पूरा हब बन जाता है, वो उसकी संभावनाएं हैं। कुसुम योजना के भी यहाँ पर सवाल उठता है कि जो घरेलू और जो जो कृषि उपभोक्ता हैं उनको किस तरह से जो प्रमोट किया जाए, क्योंकि अभी तक जो रुचि है वो काफी कम देखने को मिल रही है। कृषि उपभोक्ताओं के लिए कुसुम सी योजना के तहत हमारा जो प्लांट लगता है उसमें उन किसानों के पंप हैं जो खेती किसान कर रहा है वो उससे जोड़ करके ही वो किस्म सी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं और उसमें किसान भी अपनी जमीन का रजिस्ट्रेशन करा के वो भी बिल्डिंग करता है तो वो भी कर सकता है। तो ये किसानों को ही हम कुसुम सी योजना के माध्यम से लाइट उपलब्ध कराने के लिए, दिन में लाइट मिले दो ब्लॉक में, इसके लिए कुसुम सी योजना निश्चित रूप से किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। कोयला संकट को लेकर बातें उठते हैं, किस तरह के जो कोयला संकट को लेकर सरकार प्रयास? कोयला संकट कोई नहीं है, अब ये कांग्रेस सरकार की कांग्रेस टाइम पे कांग्रेस सरकार की ये समस्या उत्पन्न की हुई थी, हमने उसको समाधान किया है और इन्होंने अपने खुद के मतलब फायदे के लिए इसको उत्पन्न किया था, उसको हमने समाप्त कर दिया। कोयले की राजस्थान में कोई संभावना नहीं है, यहाँ कोई कोयले की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी आगे भी, अब डबल इंजन की सरकार है इसलिए कोई कमी नहीं रहेगी कोयले की। तो देखिए, ये ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी हमारे साथ मौजूद थे और जो बता रहे थे कि राजस्थान में किस तरह से जो राजस्थान को सोलर स्टेट के रूप में विकसित किया जाएगा और तमाम तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर विकसित किया जाएगा ताकि इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा आ सके, क्योंकि राजस्थान में जो सोलर एनर्जी को लेकर अपार संभावनाएं हैं और जो कोयला जो संकट उसको लेकर भी कहा कि लगातार इसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछली जो सरकार है उसका नतीजा है कि इस तरह का जो संकट आया है। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत शर्मा के साथ सुनील यादव, सच बेदरक।